साल था 2007, आईआईटी से पढ़ चुका लड़का जो बेंगलुरु में नौकरी कर रहा था, घूमने के लिए बांदीपुर जा रहा था वीकेंड की छुट्टियां मनाने के लिए। इसके लिए उसने एक लोकल कैब ड्राइवर हायर किया जिस पर पहले से ही किराया निश्चित था। लेकिन जैसे ये ड्राइवर बेंगलुरु से चलकर मैसूर पहुंचा तो कैब ड्राइवर रुक गया और ज्यादा पैसों की मांग करने लगा। लड़का नहीं माना तो कैब ड्राइवर ने लड़के को मैसूर में ही उतार कर वापस बेंगलोर चला गया, जिसके बाद लड़के को बांदीपुर तक का सफर बस से करना पड़ा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर आज का जमाना होता तो ये लड़का बेंगलुरु से बांदीपुर तक का सफर ओला कैब से ही करता। लेकिन आपको बताते चले कि इसी घटना से ओला कंपनी बनने की शुरुआत हुई, क्योंकि ये लड़का जो बेंगलुरु से बांदीपुर जा रहा था और जिसे आधा सफर बस से पूरा करना पड़ा, उस लड़के का नाम था भावेश अग्रवाल, जो कि ओला कंपनी के को-फाउंडर है। आज हम आपको कहानी बताएंगे भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी की, जिन्होंने ओला कंपनी की शुरुआत की। आज करीब 60% मार्केट शेयर के साथ ये देश की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। क्या है ओला कंपनी की कहानी, जो अब इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लाने वाला है, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। स्पेनिश शब्द में ओला का मतलब होता है हेलो। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि ओला एक कार एग्रीगेटर कंपनी है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कार एग्रीगेटर कंपनी का आखिर मतलब क्या होता है। दरअसल ओला कंपनी खुद कार नहीं बनाती, बल्कि ये एक एग्रीगेटर के रूप में यानी कि पुल के तौर पर काम करती है, बल्कि अलग अलग कमर्शियल कार ओनर्स के साथ टाई अप करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को कार सर्विस देती है। कार एग्रीगेटर कंपनी के आने से पहले आप में से कई लोग रहे होंगे जिनको एयरपोर्ट जाना रहा हो, या फिर किसी दूसरे शहर जाना हो, या फिर शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो या तो वो ऑटो लेते थे या फिर किसी कार कंपनी को एक दो दिन या फिर कई दिन पहले एडवांस में बता देते थे। ओला जैसी कार एग्रीगेटर कंपनी के आने के बाद आप कुछ ही मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह कार सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। लेकिन ओला कंपनी की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2010 में, जब आईआईटी बॉम्बे के दो इंजीनियर्स भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ने इसकी शुरुआत की। दोनों आईआईटी के जमाने से एक दूसरे के दोस्त थे। भावेश पंजाब के लुधियाना से हैं और अंकित भाटी, जो कि ओला कंपनी के को फाउंडर हैं, वो राजस्थान के जोधपुर से हैं। अंकित भाटी कई इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि वो ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से आते थे जहाँ पर कंप्यूटर एक लग्जरी होता था, और बचपन में वो बहुत ही कम कंप्यूटर के साथ रहे। लेकिन आज अंकित भाटी कंप्यूटर एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं, साथ ही वो ओला कंपनी में चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। ओला कंपनी ने 11 सालों में ही किस तरीके से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि सिर्फ 11 सालों में कंपनी की वैल्यूएशन 330 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 24,000 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के बाद से ही ये ब्रांड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के को फाउंडर भावेश अग्रवाल की। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने बीटेक किया है। 2008 में आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होने के बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में तकरीबन 2 साल काम किया, लेकिन फिर नौकरी छोड़ दी खुद का स्टार्टअप खोलने के इरादे से। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट olatrips.com शुरू की, जो हॉलीडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। लेकिन इसी दौरान जब वो बेंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे और ड्राइवर ने उन्हें बीच रास्ते पर ही उतार दिया, तो उनके दिमाग में एक सवाल आया कि क्यों ना एक ऐसी कार सर्विस खोली जाए जिसमें सर्विसेज के दाम पहले से ही निश्चित हों। उन्हें महसूस हुआ कि जो उनके साथ हुआ, ऐसी समस्या का सामना कितने ही लोग करते होंगे। भावेश ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला लिया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के जमाने के दोस्त और कोडर अंकित भाटी के साथ ये आइडिया शेयर किया। अंकित ने आइडिया पर हामी भर दी और दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब्स लॉन्च कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो उसमें थोड़े बहुत रोड़े आना तो आम बात होती है। पहले तो जब भावेश अग्रवाल ने अपनी अच्छी खासी चल रही नौकरी को छोड़ने की बात अपने परिवार और दोस्तों को बताई, तो सबने उनका मजाक उड़ाया और परिवार वाले गुस्सा हो गए। उनके परिवार ने भी उनके कैब सर्विस प्लान को खोलने की बात में ज़्यादा हामी नहीं भरी और ज़्यादा खुशी नहीं जताई। उनके परिवार का कहना था कि आईआईटी में पढ़ने के बाद क्या वो ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को उनका ये आइडिया बेहद पसंद आया और यही वजह है कि उन्हें कई राउंड्स में कई इन्वेस्टमेंट मिले। ओला को पहले राउंड की फंडिंग स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान यार खान और अनुपम मित्तल से मिली, जिसके बाद फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओला को अब तक 26 राउंड की फंडिंग में 48 इन्वेस्टर से 430 करोड़ डॉलर यानी कि 32,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट इक्विटी से 3,700 करोड़ की लेटेस्ट फंडिंग मिली है।
भावेश अग्रवाल का कहना है कि अगर किसी भी स्टार्टअप खोलने वाले के पास 3 क्लियर विजन हो तो कोई भी इन्वेस्टर मना नहीं करता। वो कौन कौन से क्लियर विजन है वो आपको जरूर जान लेना चाहिए। क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन प्लान। जिस स्टार्टअप के पास ये 3 चीजें हैं उसे कभी भी फंड की कमी नहीं होगी। लेकिन ओला का ये 11 सालों का सफर कैसा रहा और किस तरीके से इसमें कई उतार चढ़ाव आए, इसे भावेश अग्रवाल कई इंटरव्यूज में 3 फेजेज में बांटते हैं। तो पहला फेज था पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ 2011 से 2014 तक, जब कंपनी के पास स्टाफ को हायर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में अलग अलग कार ओनर्स को खुद के प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए खुद भावेश अग्रवाल सड़कों पर निकलते थे, कई ड्राइवर्स को कन्विंस करते थे। यहाँ तक कि जबकि इस कार एग्रीवेटर कंपनी ओला को शुरू किया गया, उस वक्त भावेश अग्रवाल कई कस्टमर्स को खुद ड्राइव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो वही दूसरी ओर अंकित भाटी तमाम ऑफिसेज के काम देखते थे। आपको ये बताते चले कि चाहे ओला कंपनी का ऐप बनाना हो, इसके अलावा पूरा बैकएंड का काम संभालना हो, ये सब अंकित भाटी और भावेश अग्रवाल मिलकर संभालते थे। इसके बाद दूसरा फेज आया जब कंपनी को धीरे धीरे कुछ कुछ मुनाफा शुरू हो गया मिलना। ये दौर था साल 2014 से 2017। मार्केट में बाकी कैब एग्रीगेटर आ गए, दूसरी विदेशी कैब एग्रीगेटर कॉम्पिटिटर्स पैसा झोंक रहे थे। ओला ने भी इन्वेस्टर्स तलाशे और पैसे झोंकने शुरू कर दिए। इस फेज में सिर्फ बिजनेस का स्केल बढ़ाने पर जोर दिया गया। और उसके बाद आया फेज 3 2017 में, जब कंपनी ने कंसोलिडेशन का काम शुरू किया। कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ ये भी तय किया गया कि कंपनी को कितना मुनाफा होना चाहिए। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कंपनी जो कि कैब ड्राइवर्स को ग्राहकों से मिलाती है, वो मुनाफा आखिर कैसे कमाती है? तो इसका जवाब तो हम आपको देंगे ही, लेकिन ये भी जान लीजिए कि इन 11 सालों में कंपनी नहीं बल्कि को फाउंडर्स ने कितनी संपत्ति को इकट्ठा किया। ओला ने क्या मुकाम हासिल किया है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 34 साल के भावेश अग्रवाल के पास 3100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वो दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनियों में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही ओला के टेक्नोलॉजी प्रमुख या फिर CTO कहे जाने वाले अंकित भाटी के पास 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो चलिए बात करते हैं कि ओला कंपनी आखिर मुनाफा कैसे कमाती है। तो ये तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये कैब एग्रीगेटर कंपनी है। ये ग्राहकों को सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है, ऐप के जरिए वो कस्टमर्स को कैब और ड्राइवर्स को कस्टमर से जोड़ती है। ऐप पर हुई सभी बुकिंग्स पर किराए का 15% कंपनी कमीशन लेती है, यानी कि अगर आपका 100 रुपये का किराया आया है तो 15 रुपये कंपनी ओला लेती है। हालांकि इसी दौर में ऊबर, जो कि US की सबसे बड़ी कार एग्रीगेटर कंपनी है, उसने भी भारत में एंट्री ली, लेकिन इसके बावजूद भी ओला ने उबर को कड़ी टक्कर दी हुई है। उबर की वैल्यूएशन पूरी दुनिया भर में $82 बिलियन है, जो ओला से 25 गुना ज्यादा है। इसके अलावा भारत में दूसरे कॉम्पिटिटर्स में मेरू कैब, जूम कार, रैपिडो शामिल है। ओला ने अब तक 6 अधिग्रहण भी किए हैं, इसमें टैक्सी फॉर शोर, जियो टैक, क्वार्थ, फूड पांडा, रीडलर और पिकअप शामिल है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत की इस कंपनी ने दुनिया के अलग अलग देशों में भी अब धीरे धीरे अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हैं। भावेश अग्रवाल कहते हैं कि देश में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना लिया है, अब इसे ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 15 जुलाई को जब ओला कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की बात कही तो लोगों में इसका जबरदस्त क्रेज देखा गया। दरअसल इसके मुख्य कारण है आने वाले भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे ज्यादा जोर होगा। यही वजह है कि टेस्ला, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, वो भी भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इसी के साथ साथ भावेश अग्रवाल ये कहते हैं कि देश की ज्यादातर जनता या तो 3-व्हीलर या फिर 2-व्हीलर में ही सफर करती है, और लोगों के सफर को आसान और सस्ता बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और यही वजह है कि जब से ई ओला स्कूटर के आने की बात सामने आ रही है, उसकी बुकिंग छप्पर फाड़ कर हो रही है। आपको बताते चले कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को तमिलनाडु में ओला इलेक्ट्रिक के प्लांट में बनाया जा रहा है। ये इंडस्ट्री के 4.0 स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। इस प्रोडक्शन प्लांट में हर साल 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटरों को बनाया जाने वाला है। इसकी क्षमता फेज 1 में 20 लाख प्रति सालाना होगी। इस प्रोडक्शन प्लांट में 100 जनरल असेंबली लाइंस हैं, जिसकी मदद से हर 2 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोल आउट किया जा सकता है। इसके अलावा इस प्रोडक्शन प्लांट में हर दिन 25,000 बैटरीज को भी बनाया जाएगा। और ये ई इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि ओला बना रहा है, ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा भी जाएगा, जिनमें यूरोप, ब्रिटेन, लैटिन अमेरिका, एशिया, पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं।
ओला की कहानी वाकई में सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और जिस तरीके से भावेश अग्रवाल ने अपने छोटे से इंसिडेंट को एक बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया, वो सभी लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत है और सभी लोगों को ये विश्वास दिलाएगी कि अगर आपके स्टार्टअप में ये तीन चीज़ें हैं जो वो खुद कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें स्टार्टअप में होनी चाहिए, तो वाकई में आप भी अपना एक बड़ा स्टार्टअप लेकर आ सकते हैं। आपको ज़रूरत है सिर्फ कॉन्फिडेंस की और अपने स्टार्टअप पर भरोसा करने की। आपको ओला कंपनी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।